आज हम तुम लोगों को साधारण ब्याज बताएंगे। क्या बताएंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गर्म करने बोलना होगा। साधारण ब्याज ठीक है। साधारण ब्याज जानने से पहले तुमको ये जानना जरूरी है कि ब्याज किस पर लगता है, ब्याज होता क्या है ना? ये देख रहे क्या है? ये देखो पैसा कितना रुपया है? ये 2000 ठीक है ना? ये कितना है? 500। ये बताओ 100। ये कितना है? 200। ये 50। ये असली नहीं है, बच्चों का पैसा है ना, बच्चों के लिए बनाया गया है जिससे बच्चे पैसे को रुपए को पहचान सकें, इससे खेल सकें ना। तो ये रुपया है, इसी रुपए के ऊपर ब्याज लगता है। वो ब्याज दो होता है, एक ब्याज मिलता है पब्लिक को जमा धन पर ब्याज मिलता है ठीक है, और दूसरा है जो पब्लिक बैंक से लोन लेती है, जो पब्लिक बैंक से कोई भी बिजनेस व्यापार करने के लिए लोन लेती है वो लोन के ऊपर बैंक ब्याज देती है। बैंक कमाई कहां से हुई? बैंक ने पब्लिक से ज्यादा लोन ब्याज लिया और उस ब्याज में से कुछ अपने खर्चे के लिए निकाले, जो कि बैंकों में स्टाफ के रूप में रहते हैं, कैशियर, मैनेजर, चपरासी, दरवान, लिखने वाले ना, काम करने वाले होते हैं, पैसा देने वाले, चेक लेने वाले है कि नहीं, ढेर सारे कर्मचारी बैंक में काम करते हैं, उनका ब्याज उनका खर्च उसी से निकाला प्लस बैंक का मुनाफा कहां से मिलता है? ये बैंक पब्लिक से कमाती है और उस कमाई में से पब्लिक का जमा हुआ जो धन होता है उसमें कुछ ब्याज जोड़ करके पब्लिक को देती है, वो पब्लिक के वो उसे हम ब्याज कहते हैं, जो जमा धन पर बढ़ा भी मिलता है और लोन लिया हुआ धन पर बढ़ा के देना पड़ता है ना, उस धन को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समझ में आया ब्याज किसे कहते हैं? कोई कंक्लूजन? ब्याज पर लिया हुआ पैसा कर्ज के रूप में जब हम लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने 2000 रुपया बैंक में जमा किया, 2000 रुपया बैंक में जमा किया, कितना जमा किया? 2000। एक वर्ष के लिए, कितने दिन के लिए? एक वर्ष के लिए। और बैंक ने बताया कि बैंक का ब्याज का दर इस समय 5% है, कितना है? 5% ठीक है। 5% का मतलब होता है 100 रुपए का एक वर्ष में 5 रुपया, 5% का मतलब 100 रुपए का एक वर्ष का 5 रुपया ब्याज ठीक है। तो तुमने किसी ने बैंक में 2000 रुपया जमा किया ठीक है। अब बताओ कि 2000 रुपए का एक वर्ष में कितना ब्याज होना चाहिए? 100 रुपए का 5 रुपया, तो 2000 का 100 रुपए का 5 रुपया एक वर्ष में, तो 2000 का निकालने के लिए मूलधन 2000 गुणे
से 100। ये फार्मूला है मूलधन गुणे ब्याज बटे 100, मूलधन गुणे ब्याज बटे 100। इसको काटो, ये 100 से ये दो सुन्ना कट गया ना, ये 20 बचा, 20 गुणे 5 बराबर 100। 2000 का एक साल का ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया। कितना वापस मिलेगा तुमको? 1100। ये 2000 रुपया और इसमें से एक सेकेंड, तुम्हारा पैसा कितना बढ़ गया? 100। ये देखो तुम्हारा पैसा, तुम्हें कितना वापस मिलेगा? ये 2000, ये 2000 और ये 100 रुपया ब्याज के तौर पे ना। एक वर्ष के बाद तुमको ये 2000 रुपया मिलेगा और ये 100 रुपया और मिलेगा, ये तुम्हारे पैसे का एक साल का ब्याज हुआ। इस धन को ब्याज कहते हैं, इस धन को ब्याज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूलधन। ये तुम्हारा 2000 रुपया तुमको वापस मिल रहा है, ये तुम्हारा क्या है? मूलधन है। ये मूलधन और ब्याज को मिलकर के एक और शब्द बनता है, उसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? तुमको कितना पैसा मिला? 2100 रुपया। 2100 रुपये को क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र धन। ये तुम्हारे, तुम्हारा पैसा मूलधन प्लस तुमको मिलने वाला एक साल का 5% के दर से ब्याज 100 रुपया, दोनों मिला करके हो गया 2100 हो गया। ठीक है ना? तो क्या सीखे हो? 2000 रुपया तुम्हारा मूलधन हो गया, तुमको बैंक ने 5% ब्याज के दर से 100 रुपया ब्याज दिया, 100 रुपया ब्याज हो गया, दोनों मिला करके 2100 रुपया क्या हो गया? मिश्र धन। हमको लगता है कि तुम लोग जान गए हो कि ब्याज क्या होता है, जान गए। मूलधन क्या होता है जान गए, मिश्र धन क्या होता है जान गए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो ताली बजा देना थोड़ा।